जालौन में खेत में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला, जहां मौके पर पुलिस पहुंची। प्रशासन लाख दावे करे सुरक्षा के, लेकिन गांव से लेकर सड़कों तक कोई भी सुरक्षा देखने को नहीं मिल रही। प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र का है, जहां कुठौन थाना क्षेत्र के मदारीपुर कस्बे में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि युवक का शव खून से लथपथ हालत में खेत में पड़ा मिला। राहगीरों ने जब इसकी जानकारी पुलिस को दी तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल करने लगी। जब मृतक की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वह ट्रक चालक है और उसका नाम उपेंद्र पुत्र मिस्टर सिंह है, निवासी महेवा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की खोजबीन में लगी हुई है। प्रथम दृश्य से देखने से लग रहा कि मृतक की हत्या चाकू से गोद कर की गई है। सही घटना की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी। सर, एक ट्रक ड्राइवर साहब की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है सर, क्या कार्रवाई की? जी, ये थाना कुठौन जनपद जालौन क्षेत्र में रात्रि लगभग 3 बजे भोर में एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष है, नाम उपेंद्र नाम का है, उसकी चाकू मार के उसके शरीर पर उसकी हत्या कर दी गई है। संबंध में जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो वहाँ के ढाबा संचालक और अन्य लोग थे, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि इसकी किसी से फ़ोन पे हॉट टॉक हो रही थी और एक दूसरे को मारने की धमकी ये लोग दे रहे थे, और कुछ देर बाद फ़ोन के कुछ देर बाद ही उसको चाकू से किसी ने हमला किया, वो चिल्लाया, जब तक ये लोग भाग के गए तब तक वो आदमी मर चुका था। सर, तलाशी में उसके पास कुछ पैसे वगैरह मिले थे, क्या लग रहा प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है क्या उसका क्या? देखिए, प्रथम दृष्टया रंजिश का मामला लग रहा है, कोई इनकी आपस में रंजिश थी, हॉट टॉक भी इनकी फ़ोन पे हुई है, ट्रक में जो पैसा था वो मौजूद मिला है, लूट वाली कोई बात नहीं है इसमें। सर, कोई टीमें बनाई गई हैं खुलासे के लिए? जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा, कुछ सुराग इसमें पुलिस को पहले 1-2 घंटे में ही पुलिस को सुराग लग गया था, तो इसका जल्द ही अनावरण घटना का हो जाएगा। जालौन से मनोज शिवहरी की रिपोर्ट, UP24 न्यूज़।